नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आर्मी लिखित परीक्षा स्पेशल आर्मी जीके के ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो प्रमुख देशों और उनके पुराने नाम से संबंधित है। एक क्वेश्चन यहां से आपकी चाहे जो ट्रेड हो वो क्वेश्चंस आ जाता है बेटा। तो जल्दी से इस वीडियो को देखना शुरू करें और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपका गारंटी बेटा आने वाले एग्जामिनेशन में आपके कवर हो जाएगा। तो प्रमुख देशों के पुराने नाम आपने देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा इससे पूछे आते हैं। देशों और शहरों, टॉपिक पहला ये हमारा है, स्टार्ट करते हैं बेटा इसको। हम देखा होगा आपने कि बेटा पूछा जाता है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, ठीक है। तो श्रीलंका का पुराना नाम बेटा क्या है, श्रीलंका को पुराने में क्या कहते थे भाई, इसको कहते थे बेटा सिलोन कहते थे। क्या कहते थे बेटा इसको, सिलोन कहते थे, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है भाई, सिलोन है। दूसरा सवाल कह रहा है भाई कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में बेटा पूछा जा चुका है। तो म्यांमार का पुराना नाम बेटा बर्मा है, क्या है बेटा ये, इसका पुराना नाम बर्मा है और ये बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में बेटा इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आप याद करके रखिएगा, नोट्स बना लीजिए, इनकी लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है अहमदाबाद का पुराना नाम क्या है बच्चों, तो अहमदाबाद का पुराना नाम है बेटा कर्णावती। क्या नाम है, अहमदाबाद का पुराना नाम है कर्णावती। यहां से भी बेटा ये क्वेश्चंस एक दो बार आ चुका है आपके एग्जाम में, हो सकता है आने वाले एग्जाम में भी आ जाए कि अहमदाबाद का पुराना नाम क्या है बच्चा, कर्णावती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अगला कहता है कि इराक का पुराना नाम क्या है, इराक, ठीक है। इराक और ईरान इन दोनों का पूछे आते हैं, तो इराक का जो पुराना नाम है बेटा वो है मेसोपोटामिया। क्या नाम है इराक का, इसका नाम है बेटा मेसोपोटामिया नाम है, है ना, पुराना नाम था इसका मेसोपोटामिया। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख के करिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है बेटा ये क्वेश्चंस। अगला लिखा है पटना, पटना का पुराना नाम क्या है, जल्दी से बताइए सभी लोग मुझे आंसर करके, इसको नहीं आता है नोट्स इसके बना लीजिएगा बढ़िया से। पटना का पुराना नाम बेटा पाटलपुत्र, क्या है पटना का पुराना नाम बेटा, पाटलपुत्र, जो कि पटना का पुराना नाम इंपॉर्टेंट है। आपने हिस्ट्री वगैरह में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ा होगा कि पाटल पुत्रा, ये सब चीजें आपने नाम पढ़ी होंगी, तो यहां से क्या होगा भाई, पाटलपुत्र। अगला लिखा ताइवान, ये मैंने आप लोगों को जो लिंक होती है उसके माध्यम से सवाल पूछा हुआ था, कई सारे बच्चों का इसको जो है वो गलत आंसर आया कि ताइवान का आंसर क्या होगा भाई, तो ताइवान का जो पुराना नाम बेटा है वो फार्मोसा। क्या है इसका पुराना नाम, ताइवान का पुराना नाम है बेटा फार्मोसा, ठीक है। जल्दी जल्दी वीडियो को देखते जाइए सभी लोग, अपने आसपास शेयर करते जाइए इसको, ठीक है। क्या नाम है भैया, फार्मोसा नाम है ताइवान का पुराना नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है भाई, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम बेटा है यूनाइटेड प्रोविंस। क्या नाम इसका बेटा, यूनाइटेड प्रोविंस जो है वो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है। तो ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में बेटा ये भी आ जाए। क्या नाम भाई इसका, यूनाइटेड प्रोविंस इसका पुराना नाम था उत्तर प्रदेश का। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिएगा। जापान, जापान का पुराना नाम क्या था भाई, जापान का पुराना नाम था निप्पन। क्या नाम था इसका, जापान का पुराना निप्पन नाम था, बड़ा इंपॉर्टेंट भैया आप सभी को जानकारी, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में बेटा बनेगा ही बनेगा। अगला है ईरान, ईरान का पुराना नाम क्या है, आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि ईरान का पुराना नाम क्या है बेटा, ईरान का पुराना नाम है पर्शिया। क्या नाम है बेटा ईरान का, पर्शिया नाम है। आपने इतिहास में ज्योग्राफी में इन सब चीजों का आपने जिक्र किया होगा या देखा होगा आपने। आयरलैंड, आयरलैंड का पुराना नाम बताइए भाई क्या है, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा आयरलैंड का पुराना नाम बेटा एरे है। क्या है आयरलैंड का पुराना नाम, एरे। अगला लिखा है कांगो रिपब्लिक, कांगो रिपब्लिक को पुराने में क्या कहते थे, तो आपने कई बार उसमें पढ़ा होगा जीके में एक जायरे आपने शब्द सुना होगा, ठीक है। तो जायरे जो है बेटा वो कांगो रिपब्लिक का पुराना नाम है। क्या है, जायरे कांगो रिपब्लिक का पुराना नाम। घाना, घाना को कहते थे बेटा पुराने में गोल्ड कोस्ट कहते थे। क्या कहते थे भाई, गोल्ड कोस्ट कहते थे इसको, घाना का पुराना नाम क्या कहते थे बेटा, गोल्ड कोस्ट कहते थे, ठीक है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, इस सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। जावा का पुराना नाम क्या भाई, जावा का, जावा को कहते थे सुवर्णद्वीप। क्या कहते थे बेटा पुराने में जावा को, जावा को कहते थे बेटा सुवर्णद्वीप। इंपॉर्टेंट है, जो आर्मी जीडी का आपकी एग्जाम आने वाला है, जीडी एनए टेक्निकल कोई भी ट्रेड हो, उन सभी ट्रेड के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। पणजी, पणजी का पुराना नाम क्या था बेटा, पंजिम नाम था पणजी का। क्या नाम था पुराना नाम, पंजिम था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है कि पणजी का पुराना नाम पंजिम था। अगला सवाल कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था बेटा, नेफा पुराना नाम था अरुणाचल प्रदेश का। क्या नाम था भाई, नेफा।
ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चंस हमने आपको वो करवाए हैं जो आपके आर्मी के एग्जाम में बेटा पूछे जाते हैं, बार बार सवाल यही पूछे जाते हैं, और इनको आप लोग बेटा याद रखेंगे तो फिर आपका जो एग्जाम आने वाला है, चाहे वो फरवरी में हो, मार्च में हो एग्जाम, सारे सारे बेटा आपके एग्जाम कवर हो जाएंगे। जय हिंद बच्चों।